वीडियो का नाम तो मुझे डेनिम का भंडार रखना चाहिए था, क्योंकि आपको इस हॉल में ऐसी ऐसी डेनिम्स पसंद आने वाली है ना, तो आप तुरंत जाके शॉपिंग करोगे, इतना तो मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि ये जहाँ से मैंने ऑर्डर की है ना, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी। डेनिम को हॉल ले आई हूँ जो मैं एक साल से प्लान कर रही थी, और फाइनली मैं आप लोग के लिए वो शूट कर रही हूँ। आपने फ्रीकिंस का नाम तो सुना ही होगा, तो मैंने सारी की सारी जीन्स से फ्रीकिंस से ऑर्डर नहीं की हैं। मतलब मैं वो बता रही हूँ, लास्ट ईयर से मैं जितनी भी स्टाइलिश वाइड लेग वाली जीन्स पहन रही हूँ वो सारी मोस्टली फ्रीकिंस की हैं। और मैं कब से सोच रही थी कि मैं जब अपना पूरा डेनिम कलेक्शन दिखाऊंगी ना, तब मैं ये सारी जीन्स कवर करूंगी, जब मेरी वार्डरोब बिल्कुल तमीज़ से लगी होगी। और अब जाके मेरी वार्डरोब बिल्कुल तमीज़ से लग गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं कलेक्शन करूँगी। लेकिन उससे पहले फिर मैंने भी अपना पर्सनल ऑर्डर लगा दिया फ्रीकिंस की जीन्स का, 8-9 जीन्स हैं वो। तो वो पूरा ऐसे बॉक्स भर के जब जीन्स आई, मैंने कहा यार अब मैं जीन्स का हॉल ही कर लेती हूँ फ्रीकिंस का, उसमें ये 8-9 न्यू कलेक्शन वाली जीन्स भी दिखाऊंगी, और जो उनकी ट्रेंडी जीन्स जो बार बार मतलब स्टॉक इन होती हैं फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, वो जो जीन्स हैं मैं वो भी दिखाऊंगी, जो मैं लाइक 2023 से पहन रही हूँ। लास्ट ईयर से आपने मुझे कुछ जीन्स को पहनते हुए देखा होगा, मेरे स्नैप में इतने कमेंट्स होते थे ये जीन्स कहाँ से ली, ये डेनिम कहाँ से ली। पहले मेरे डेनिम सेक्शन में सारी की सारी डेनिम्स ना या तो H&M होती थी, या तो ज़ारा या लेवाइस, फिर बीच में वाइड लेग अर्बेनिक की होने लगी। लेकिन अभी अगर मैं देखूँ तो फ्रीकिंस ही सबसे ज़्यादा आपको मेरे वार्डरोब के सेक्शन में मिलेगी, डेनिम वाले सेक्शन में। तो चलो दिखाती हूँ सारी की सारी जीन्स से, पहले कुछ न्यू ट्रेंडी जीन्स से दिखाऊंगी, फिर उसके बाद पहले कुछ ओल्ड ट्रेंडी जीन्स से दिखाऊंगी जो अभी भी है और आप अभी भी ऑर्डर कर सकते हो। ओल्ड मतलब एक साल पहले उन्हें मंगवाई थी, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड में चल रही हैं, उन्हें भी आप मंगवा सकते हो। जो न्यू कलेक्शन मैंने मंगाया मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सारे के सारे लिंक, एक एक जीन्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके खरीद लेना, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा और आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि क्या क्वालिटी क्या फिट आने वाला है, मजा आ जाएगा। ये जो जीन्स मैं अभी पहन के बैठी हूँ, प्लस ये सारी जीन्स है जो आप देख रहे हो, ये मैं पूरा एक साल पहले मतलब लास्ट ईयर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में मैंने जो ऑर्डर लगाया था वो ये सारी जीन्स हैं। इसमें से 4 से 5 जीन्स और ट्राउजर्स मैं अंदर रख के आई हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है और अब मेरा मन नहीं था कि मैं उनको भी दिखाऊँ। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ये अभी भी स्टॉक में है, एक दो आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन वो रीस्टॉक होती रहती है। और जो नीचे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स के अंदर है पूरी 8-9 न्यू जीन्स है। तो क्विकली मैं पहले इन जीन्स का एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन जीन्स की पिक्चर्स वगैरह जो मैंने पहनी हुई वो मैं इधर उधर लगा दूंगी, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और जो पूरा पहन के मैं लुक एंड फिट दिखाऊंगी वो अपनी जो न्यू जीन्स है जो मैंने भी अभी तक नहीं पहनी है, तो उनको दिखाऊंगी। और सारी की सारी जीन्स मैंने 28 साइज में ऑर्डर की हैं। फ्रीकिंस का 28 मुझे बिल्कुल परफेक्ट आता है, कुछ लूज होता है लेकिन बैठने में टाइट हो जाता है, तो मतलब आई प्रेफर 28 साइज़। तो मेरी सारी जीन्स 28 साइज़ की हैं, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल्स में उनका 28 भी इतना ज़्यादा मुझे टाइट आता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतना टाइट क्यों है। जैसे अभी जो मैं जीन्स पहन के बैठी हूँ, ये मैंने 2 महीना पहले मंगाई थी, 2 या 4 महीना पहले शायद, मैं देख के बताऊंगी। तो ये मैंने 28 मंगाई थी, मैंने इसका टैग कट ही नहीं किया था, मंगा के रख दी थी कि हाँ जब कभी पहनना होगा पहन लूँगी। अब जब मैंने आज इसको लिटरली टैग कट करके पहना है ना, फिर मुझे इतनी टाइट आ रही है कि जैसे मैंने 26 साइज पहना हो, मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्यों हुआ। चलो एनीवेज मैं आपको इन सब जीन्स में से दिखाती हूँ पहले। सो गाइज, हमारी जो फर्स्ट जीन्स है ना वो है ये पॉकेट प्ले कार्गो पैंट्स। ये 2000 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी और एग्जैक्टली सेम इतनी ही पॉकेट इसमें आई थी, और मैंने साइज 28 मंगाया था। आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी खासी लंबी जीन्स होती है, मैं हमेशा इतना फोल्ड कर ही देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी डेनिम है और सॉफ्ट डेनिम है, अच्छा वाला। आप देख सकते हो पूरी ब्राउन इसमें सिलाई हुई हुई है, पीछे आपको यहाँ पे पूरा इसका लोगो मिल जाएगा, ब्रांडिंग हुई हुई, ठीक है। आप देख सकते हो ये जीन्स है, पूरी वाइट लेग है, इसमें आप पॉकेट देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी इसमें पॉकेट हैं, प्रॉपर हैवी ड्यूटी कार्गो पैंट्स हैं ये, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। ये मैंने जुलाई में मंगवाई थी लास्ट ईयर, यहाँ पे साइड में ना एक सॉन्ग प्रमोशन मैंने किया था, तो उसमें ना मैंने जीन्स पहनी है, एक ये ब्लू और एक ये ब्लैक। तो जो ब्लैक जीन्स पहनी है वो है ये वाली, तो मैं इसकी भी आपको डिटेल्स बता देती हूँ। और जो स्क्रीन में अभी भी आप यहाँ वीडियो देख रहे हो ना, ये सेम ही जीन्स है ब्लू वाली,
मैं अलग अलग वीडियोस भी लगा दूंगी ब्लू वाली जीन्स की। बात की जाए ब्लैक वाली जीन्स की, तो जो ब्लैक वाली जीन्स है वो है ब्लैक लिस्टेड कार्गो जीन्स, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना बिकॉज ऑफ जो इसमें थ्रेड वर्क थ्रेड यूज हुआ है ना वो ब्राउनिश ऑरेंज कलर का, इसकी वजह से। ये दोनों जीन्स साथ में इतनी ज़्यादा हैवी है ना कि बैक का वेट ऐसे हो जाता है कि बाप रे की कितनी हैवी जीन्स आपने ले रखी है। ये देख सकते हो ये जीन्स है, ये पूरे प्रॉपर ब्लैक कलर की, इसमें आप पूरी सिलाई देख सकते हो जो कलर हुआ हुआ है। पॉकेट देख सकते हो, यहाँ पॉकेट है, यहाँ पॉकेट है, इधर पॉकेट है, फ्रंट बैक में पॉकेट है, फ्रंट में पॉकेट है। ये दोनों जीन्स मेरी बिल्कुल लाइक फेवरेट वाली होती है ना, पूरी ढीली ढाली, मतलब इतनी कंफर्टेबल कि लाइक मैंने ट्रैवल में पहन लूँ, पलौथी मार के बैठ जाऊँ, कितना खाना खा लूँ, मेरे को पेट से टाइट नहीं होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी जीन्स। ब्लैक वाली जीन्स की भी आप क्लिप्स देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पिक्चर होगी या क्लिप होगी, जो भी मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिल रही होंगी ना इन जीन्स की, तो वो मैं यहाँ लगा दूँगी। बाकी क्वालिटी, फिट सब कुछ बहुत औसम है, एक साल से तो मैं इन्हें पहन ही रही हूँ, तो आप समझ ही गए हो। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो जीन्स है ना, वो कलर पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता था। मेरे लिए जीन्स का मतलब होता था सिर्फ ब्लैक जीन्स। मैं ये जो डेनिम के कलर होता है, बेसिक डेनिम कलर ब्लू एंड स्काई ब्लू, मैं वियर ही नहीं करती थी, मुझे पसंद ही नहीं आते थे, ब्लैक ही मुझे पसंद आता था। लेकिन अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, मेरे को जो बेसिक डेनिम के कलर होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब आप देख सकते हो ये है लाइट इंडिगो रिब्ड कार्गो जीन्स, ये भी 2000 रुपीज़ की है। जैसी ये पिक्चर में दिखाई है ना गाइज, एग्जैक्टली सेम आई है। मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगी कि फ्रीकिंस की जीन्स का जो फैब्रिक होता है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आँख बंद करके ले लो, मज़ा आ जाता है पहन के। ये जीन्स है ये, ठीक है, इसको इसका टैग मैंने अभी कट किया है और मैंने इसको अभी तक नहीं पहना। ये मैंने शायद 3-4 महीने पहले मंगाई थी और अभी जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सारी ऐसे फ्रीकिंस की जीन्स से निकाली हैं, तो इसको मैं आपको पहन के दिखाऊंगी अभी कि क्या इसका लुक फिट आ रहा है, इसकी कहाँ कहाँ इसकी पॉकेट आएंगी। ये कार्गो है, रिब्ड कार्गो है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ डिफरेंट सा तो मैंने लिया है। वरना अगर आप अब मेरा कभी भी वार्डरोब टूर आएगा और मैं अगर जीन्स का वाला सेक्शन दिखाऊंगी ना, तो आपको लगेगा कि भाई साहब इतनी सारी एक ही जैसी कलर की जीन्स है क्यों भरी हुई और एक ही जैसी स्टाइल की क्यों है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सारी की सारी डिफरेंट है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डेनिम वेयर करने का कि बस ये मेरा स्टाइल है, लाइक डेनिम हो अलग अलग तरीके की और ऊपर हो बेसिक टैंक टॉप, मुझे ऐसा स्टाइल पसंद है। चलो इसको वेयर करके दिखाती हूँ। गाइस देखो ये जीन्स भी मैंने साइज 28 मंगाया, मुझे कितना ज़्यादा ढीला है। एंड दिस इज़ अ परफेक्ट कंफर्टेबल वाला जीन्स मैं बोलूँगी, क्योंकि इतना ढीला होना चाहिए कि आप बैठो तो बहुत सही रहे। मैंने क्रॉक्स के साथ सारी जीन्स आपको पहन के दिखाऊँगी और आप देख सकते हो कि इसके पॉकेट कितने अच्छे खास से बड़े ढीले हैं, कितने पॉकेट्स हैं, कहाँ से ये फटी हुई है, फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी सारे पॉकेट हैं और बहुत तमीज़ के पॉकेट, आप इसमें सामान रख सकते हो कहाँ कहाँ से, पूरी ऐसे फटी हुई जीन्स है। बैक से भी आप देख सकते हो कि बैक से इसके दोनों पॉकेट, लेंथ, फिटिंग कैसी आएगी, 28 साइज मुझे परफेक्ट आता है, ठीक है। और ये जीन्स आप पूरी देख सकते हो लुक वाइज भी, मैं पास से भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से कैसा फटी हुई रहेगी, क्या लेंथ रहेगी, क्या स्टाइल रहेगा, क्या कलर रहेगा। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब सारी जीन्स मेरी फेवरेट तो है, तो ऑब्वियसली मैं इसको दे ही देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये वाली जीन्स मैंने 2-4 महीने पहले मंगवाई थी, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये है ब्लैक डबल जिप स्ट्रेट जीन्स जो मुझे 1900 रुपीज़ की पड़ी है। इसका सीन ये था कि ये बिल्कुल सामने से देखने में प्लेन जेट ब्लैक जीन्स है, साइडों से आपको जिप दिखेगी, लेकिन इसका ट्विस्ट आता है, आप साइड से जिप ओपन कर दोगे ना, जैसे यहाँ लुक आ रहा है ना, देखो कि आपको अंदर से रेड दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसी लगेगी। इसको मैंने एक बार भी वियर नहीं किया, आप देख सकते हो टैग वगैरह लगे हुए हैं, मौका नहीं मिला कि मैं इसको पहनूं। आप देखो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की वाइड लेग ये जीन्स है, ठीक है, और वही बेसिक पीछे दो पॉकेट, आगे दो पॉकेट, और साइड में ना पूरी ये जिप आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको खोल के दिखाऊं कि जिप आप जहाँ तक खोलोगे ना ऊपर तक, ये चीज़ फ़ोटो में नहीं थी और ये मॉडल ने भी नहीं दिखा रखी थी, मतलब आप जहाँ तक ये खोलोगे ना अंदर बिल्कुल आपको ये मिलेगा, ये डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो जिप बंद करके इसको सिंपल एक बेसिक ब्लैक जीन्स की तरह भी पहन सकते हो, और आप चाहो तो इसको ओपन करके ऐसे भी पहन सकते हो विद रेड कलर का टैंक टॉप, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर मैं देखूँ ये रेड जिप, गाइस ये रेड जिप भी पूरी खुल जाती है, मतलब ये चीज़ तो उन्होंने मुझे दिखाई नहीं थी। देखो
रेड वाली जिप भी पूरी खोल लोगे तो ऐसी दिखेगी और ये बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी, बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल बन जाएगा इसका, आप देख सकते हो। और ये बहुत कूल लगेगी, है ना, कुछ रेड कलर का सेक्सी सा टैंक टॉप पहना हो ये और विद बूट्स, क्या लुक आएगा। मतलब ये बहुत अच्छी जीन्स लगी मुझे। सारी जीन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके बाय कर लेना और मज़ा आ जाएगा। मतलब जिनको ऐसी अतरंगी जीन्स का कलेक्शन करना पसंद है, पहनना पसंद है, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो टोटली वर्थ इट है, क्योंकि आगे ना बहुत औसम औसम जीन्स आने वाली हैं। तो चलो इसको भी वेयर करके दिखाती हूँ। ये जीन्स बहुत वर्सेटाइल है, जैसे मैंने बोला है, सामने से अगर आप लुक देखोगे तो बिल्कुल बेसिक प्लेन ब्लैक जीन्स लगेगी। मैं यहाँ साइड से भी दिखा देती हूँ, जिप पूरी बंद है और जीन्स आप देख सकते हो लग के ऐसी रही है, बिल्कुल वाइड लेग सिंपल जीन्स। और यहाँ से जो मैंने आपको खोल के दिखाई है, यहाँ से आप देख सकते हो कैसी सुपर वाइड हो जाएगी और यहाँ से क्या इसका स्टाइल आएगा। अभी आपके ऊपर, आपको इसको जितनी ज़्यादा जिप बंद करनी है, जिस स्टाइल में आपको पहनना है, आप उस स्टाइल में आप इसको पहन सकते हो। जैसे आप चाहो, मैंने रेड वाला खोल दिया, मैं रेड पूरी जिप बंद कर दूं तो ये सिंपल ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब मैं चाहूंगी इसको भी मैं थोड़ी बंद कर दूं, आप इतनी भी जिप बंद करके ऐसा स्टाइल दे सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जिप बंद हो रही थी। मतलब ये आपके ऊपर, आपको इसको कैसे स्टाइल करना है। दोनों को सिमिलर बना देती हूँ मैं, इसको भी इधर तक खोल देती हूँ। इस जीन्स को भी मैंने इतना खोल दिया, इधर वाले को भी मैंने इतना खोल दिया, तो मैंने सेम लुक बना दिया। अब आप फ्रंट से देख सकते हो, सिंपल ब्लैक जीन्स है, कलर बिल्कुल जेट ब्लैक है इसका, बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक है, सॉफ्ट डेनिम है। लेंथ भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी इसकी लेंथ है, बिल्कुल भी ऊंची नहीं है। बैक से भी आप पूरी फिटिंग देख सकते हो, बैक से क्या आपको फिटिंग मिलेगी। मुझे तो ये जीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लाइक मैं पिक्चर में देख के ही मैंने इमेजिन कर लिया था कि ये कुछ ऐसी आएगी और ये बिल्कुल ऐसी आई है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। इसी बात पर इसका टैग भी तोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से आ रखी है, तो इसके लिए भी थम्स अप। नेक्स्ट जो हमारी कार्गो जीन्स है वो आप पिक्चर में देख सकते हो, फेथफुल सिन कार्गो जीन्स, ये 2000 रुपए की है। इसका एक ये कलर है येलोइश ग्रीनिश टाइप का, और इसका एक दूसरा कलर भी है ये वाला, ठीक है। तो मैंने ये वाला कलर मंगवा रखा और इसको मेरे पास पड़े हुए एक साल हो गया है, इस जीन्स को मैंने पहना ही नहीं है। मतलब जुलाई में एक साल हो जाएगा जब मेरा पूरा बड़ा ऑर्डर आया था ना। ये मैंने इसलिए मंगवाया था कि बहुत डिफरेंट कलर है, इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो पूरा कार्गो स्टाइल है। और ये जो चीज़ पैर में लटक रही है ना, ये ना पूरा ऐसे आता है, मतलब ऐसे करके आएगा, ये पूरा अंदर से निकल जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा पैर पे, ठीक है, ऐसी लगेगी। कलर इतना ऑसम है, मैंने हमेशा से सोचा था इसको ब्लैक टैंक टॉप के साथ वेयर करूँगी, बहुत कूल जीन्स है, वीडियोस में पहनूंगी बनाऊंगी, लेकिन मौका ही नहीं लगा इस जीन्स को मुझे पहनने का। लेकिन ये बहुत अच्छी जीन्स है, पूरा लुक फिट स्टाइल मैं इसका पहन के दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी तक पहना ही नहीं है, तो चलो वेयर करती हूँ। इस जीन्स का कलर ही इतना यूनिक है, तो इसका स्टाइल भी उतना ही यूनिक है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी इस जीन्स की फिटिंग है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लूज भी है ये, मुझे मतलब वही जो फिट मैं पसंद करना चाहती हूँ, बार बार आपको बता रही हूँ। आप पास से बस जीन्स के कलर और उसकी डिटेलिंग देखो, पॉकेट नंबर 1, पॉकेट नंबर 2, ठीक है, बैक में है पॉकेट। इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना और इसको जुलाई में मुझे पूरा एक साल हो जाएगा जीन्स को लिए हुए, ठीक है। अब इसका जो बॉटम से स्टाइल है ना, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो ये चीज़ है ना, ये मुझे काफ़ी लूज़ है, ये इसका बैंड ऐसे आता है ऊपर, ये ऐसे रहता है, ये काफ़ी लूज़ है। तो इसमें एक और टच बटन लगा के थोड़ा मैं टाइट कराऊँगी कि वो पूरा लुक बन पाए। अभी क्या होता है, मैंने पहना और ये ना ऐसे गिर जाता है, देखो जैसे इसका गिरा हुआ है, देखो ये है इसका लुक। इसको थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिट एंड फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब अगर मैं ऐसे बैठ के कुछ काम भी कर रही हूँ ना, तो भी मुझे कहीं से ऐसा नहीं होगा कि मेरा पेट पिच रहा है या मेरी थाइस बहुत थाइस से टाइट हो रही है। ये इसका एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है, जो मुझे बहुत पसंद है फिगिंस के जीन्स के बारे में, तो इसलिए मैं इसको भी देती हूँ थम्स अप। यार मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर है, लेकिन ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरे जेन्युइन फीलिंग है फ्रीकिंस के लिए, कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी जीन्स। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे कार्गो पैराशूट पैंट्स भी मंगाए हैं, टॉप भी मंगाए हैं, लेकिन वो अब अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से लाइक मेरी पर्सनल शॉपिंग का हॉल में ज़रूर निकालूंगी। ये है चारकोल यूटिलिटी कार्गो जीन्स, आप देख सकते हो 1800 रुपीज़ की है। जो स्टाइल है ना इसका, कि आगे से ऐसे दो कुछ गिरे हुए हैं,
बस ये मेरा दिल ले गए है बेसिक ब्लैक, लेकिन स्टाइल डिफरेंट है ना। इसको मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, पता नहीं इसकी वीडियोस फोटोज होंगी या नहीं होंगी। आप देख सकते हो ये जीन्स है बेसिक ब्लैक कलर की, दो पॉकेट बंदी हुई और साइड में ना मैं ऐसे बांध लेती हूँ, जैसे इधर बंधा हुआ है इधर बंधा हुआ है, मैं इसको ऐसे बांध लेती हूँ और बस ये स्टाइल हो गया इस जीन्स का। बैक से आप देख सकते हो, इस जीन्स को मैंने बहुत बार पहना है, बहुत बार। वो बात अलग है कि हाँ फोटोज़ नहीं है वीडियोज़ नहीं है, लेकिन जैसे कभी मूवी देखने गई हूँ या शॉपिंग के लिए गई हूँ तो मैंने इसको बहुत वियर किया है। लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है शायद, तो मैं इसको फिर भी वियर करके आपको दिखाती हूँ कि इसका स्टाइल कैसा है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि फ्रीकिंस की सारी जीन्स अच्छी खासी लंबी हैं, तो जितनी ज़्यादा लंबी और लड़कियाँ हैं तो उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी, और मेरी जैसी छोटी लड़कियाँ वो फोल्ड कर लेंगी तो वो भी एक स्टाइल बन जाता है। चलो वियर करके आती हूँ। मुझे लगता है जब ये जीन्स धुल के आई थी उसके बाद से प्रॉपर आयन भी नहीं हुई है। आप देख सकते हो इस जीन्स की लेंथ, जेट ब्लैक ये जीन्स है। मैं थोड़ी गोल्डन पे दिखाती हूँ, मुझे लगता है ब्लैक पे ब्लैक दिख ही नहीं रहा होगा। आप देख सकते हो मैंने क्रॉक्स पहने हुए हैं, मेरे थोड़े हील वाले क्रॉक्स हैं, उसके बाद जीन्स की लेंथ का है। और ये जो है ना ये पूरे ऐसे गिरे रहेंगे, लेकिन मैं इसको ना ऐसे बांध देती हूँ, ठीक है, दो नॉट, जिससे ये इतने ऊपर। और यहाँ ये पॉकेट है और अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है। ये इसका स्टाइल है जीन्स का, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैक से भी मैं आपको दिखाऊँ तो आप पूरी फिटिंग देख सकते हो कि क्या फिटिंग है, कितनी मुझे लूज़ है और बहुत सही है। पर मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक ये वाली जीन्स भी आती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि सिंपल ब्लैक जीन्स है और ये चीज़ बस थोड़ी सी और आपके लुक को और एनहेंस कर देती है, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसके लिए भी थम्स अप। वो तो थी मेरी पुरानी जीन्स है, अब बारी आती है इस बॉक्स को ओपन करने की, जिसके अंदर भर के न्यू जीन्स है जो मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया है। तो चलो देखते हैं पहला क्या निकलता है। यार ये कलर पे ना मेरा सच में दिल आ गया था, मैं सच बताना चाह रही हूँ। ये ग्रे कलर का पॉकेट कार्गो है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कि ये है क्या चीज़। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आया कैसा है। देखो मैंने साइज 28 मंगाया है। इसका स्टाइल देखो, वेस्ट, मतलब जो ये वेस्ट वाला चीज़ है ना, ये देखो ये पीछे से कितना परफेक्ट लग रहा है, कोई पॉकेट नहीं है। जितनी पॉकेट है ना आपको फ्रंट में मिलेगी, 1 पॉकेट, पॉकेट 2, पॉकेट 3 और इधर ये पॉकेट 4, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा है। फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बस ये मुझे फिटिंग वाइज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आएगा और बिल्कुल स्टाइल सेम है। देखो ना कितना ज़्यादा वाइड है, ओ गॉड, इसको पहन के कितना मज़ा आएगा। मतलब मुझे ना ऐसी ऐसे बहुत पसंद है ना कुछ हो ऐसा सा। चलो इसको फटाफट से वियर करते हैं, क्योंकि जैसा दिखाया है तो वैसा ही है। गाइज आई जस्ट लव दिस लुक, लाइक दिस पूरा लुक, नीचे क्रॉक्स, ऊपर टैंक टॉप और ये मैंने रस्सियों वाला जो जॉगर पहना है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं जॉगर बोलूँ, कार्गो पैंट्स मैंने पहनी है। फैब्रिक इतना ज़्यादा स्मूथ है कि मैं बस आपको क्या बताऊँ। ये डेनिम बहुत अलग सा ही डेनिम है, आप पास से देख सकते हो, ये पूरी जितनी भी ये सब लड़ियाँ गई हुई हैं आपस में पूरी अटैच है, किसी एक को खींचोगे तो ये सब तरफ से टाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पूरा से टाई कर दिया है, सारे ऐसे लूप बने हुए हैं, जितना खींचना चाहो जितना लंबा करना चाहो उतना आप हर तरफ से कर सकते हो, ठीक है। देख लिया आपने लेंथ, आप पूरी देख सकते हो, बैक से भी आप देख सकते हो क्या इसकी फिटिंग है। पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, पीछे से सिंपल आपको ऐसा मिलेगा और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इसका फैब्रिक इतना स्मूथ है, इतना लाइट वेट है और समझ के तो मुझे लग रहा है ये परफेक्ट है। इसका स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कलर तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ मेरे पास ब्लू है और ऐसा तो कुछ था ही नहीं। दिस इज़ वाओ, थम्स अप फॉर दिस वन, जाके खरीद लो, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट अपनी जीन्स हम देखते हैं, अगेन ब्लू कलर, मुझे लगता है ब्लू कलर बहुत आपको देखने को मिलेगा। ये काइंड ऑफ स्ट्रेट फिट, ओ ये तो बहुत खतरनाक सी जीन्स है, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये है एम्बर डिस्ट्रेस्ड जीन्स, ठीक है, ये आगे से बहुत ज़्यादा फटी हुई है, आप देख सकते हो। मॉम्स फिट और बॉयफ्रेंड फिट जो जीन्स होती है ना, ये वो है, बहुत ज़्यादा वाइड लेग नहीं है नीचे से, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ना ये वाले जो ये डिटेल्स आई हैं ना ये डेनिम में, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा फटी हुई है, जितनी ज़्यादा फटी हुई उतनी ज़्यादा महंगी। उप्स, मुझे याद आया, अभी मैंने इसके आपको प्राइस तो बताया नहीं कि ये मुझे कितने की पड़ी है। 1900 रुपीज़ की ये जीन्स है। अब गाइज ये प्राइस रेंज ना अच्छी डेनिम्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल रेंज है, ज़ारा H&M में इससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है, अर्बैनिक में भी इसी रेंज की हमें जीन्सें मिलती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिज़ाइन और पीसेज नहीं मिलते। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया एग्जैक्टली वैसी आई है। अब मैं इसको पहन के ही पूरा लुक, फिट एंड कम्फर्ट बताती हूँ,
ऐसे देखने में तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, वेयर करके आती हूँ। इस जीन्स को देखने के बाद कुछ लोगों की मम्मियाँ कहेंगी बहुत कम फटी हुई जीन्स मंगवाई है, थोड़ी और फाड़ लेती है, तो ये तो मैं भी फाड़ सकती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत ऐसा बोलती हैं। आई होप आप लोग की मम्मियाँ भी ऐसा बोलती होंगी कि ये क्या फटीचर मंगवाया है। फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि जितना ज़्यादा फटा हुआ उतना ज़्यादा महंगा। गाइस आप ये जीन्स देखो क्या इसका स्टाइल है, ये ना काफ़ी स्ट्रेट बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ जीन्स है। आप देख सकते हो इसमें जो ये चीज़ पूरी फटी हुई है, इसका कलर थोड़ा ना येलोइश थ्रेड्स हैं जो इसके थ्रेड्स हैं, ये आप देख सकते हो पूरे कितने ज़्यादा फटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ढीली ढाली सी ये जीन्स है। मैंने इसको क्रॉक्स के ऊपर ऐसे स्टाइल करके पहना है सिंपल। बैक से भी मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कैसी ये जीन्स है, क्या इसका लुक है। पर्सनली ना ये फिट मुझे इतना पसंद नहीं आता, लेकिन मैंने ये इसीलिए मंगाया क्योंकि आगे से इतनी ज़्यादा इसके चीथड़े उड़े हुए थे, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि हाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे लुक में वीडियोज़ में ऐसी जीन्स से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई होप अब आपको पूरा लुक फिट स्टाइल पसंद आ गया होगा। फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इतना प्यारा फैब्रिक है ना कि आप जब पहनोगे ना आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ पैसा वसूल फैब्रिक है। तो इसके लिए भी थम्स अप। नेक्स्ट हमारी जीन्स है, इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हाँ ब्लू जैसे ही है। ये जीन्स ना यार मुझे लगता है अभी तक की सबसे अच्छी और डिफरेंट जीन्स होने वाली है। इस जीन्स का नाम है रेट्रो चिक ब्लू बूटकट जीन्स, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये 1800 रुपीज़ की मुझे जीन्स मिली है, सुपर हाई वेस्ट है और बूटकट है, और इसमें ये थोड़ी सी रग्ड जीन्स भी है। माय गॉड ये कितनी लंबी आई है, आप देखो इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आप देखो ये लंबी कितनी है, मैं आपको दिखाऊं सी कितनी ज़्यादा लंबी लग रही है ये जीन्स। पूरा इसका आप रग्ड वाला चीज़ देख सकते हो, कलर देख सकते हो कितना अच्छा है, और नीचे से बूटकट वाला पार्ट भी अच्छा खासा ब्रॉड आ रहा है। बस ये मुझे फिटिंग में बहुत अच्छी आए, मैं बहुत अच्छी लगूंगी इसमें। और मुझे ऐसा लगता है बूटकट वाली जीन्स में ना लड़कियाँ और लंबी भी लगती हैं, फिजिक भी बहुत अच्छी आती है। सारे के सारे साइजेस 28 ही हैं, मैं फॉर प्रूफ एक बार दिखा भी देती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, साइज कम बताती हूँ ज़्यादा बताती हूँ। या मैं डेनिम को देख के बहुत खुश हो रही हूँ, आई डोंट नो आप मेरा वो फील समझ पाओ या नहीं समझ पाओ, कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डेनिम्स, सबको ही होती है लेकिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है। तो चलो इसको भी फटाफट से वेयर करके देखते हैं कि कैसी है। ये पहली फ्रीकिंस की जीन्स होगी जिसमें मुझे साइज 26 आएगा, कि 28 मुझे इतना ज़्यादा ढीला है, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा मुझे ये जीन्स ढीली है, और इसका लुक भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ है। इतना लूज़ होने के बाद ये इसका यहाँ से भी शेप बहुत ज़्यादा ढीली आ रही है, और ये बहुत अच्छी खासी लॉन्ग जीन्स है पूरे रेट्रो स्टाइल की, तो मतलब वो फिगर वाला फिट ही नहीं आ पा रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़, अब इतने ज़्यादा लूज़ में तो नहीं हो पाएगा ना, आप देख सकते हो बहुत ढीली है। तो हर मतलब यहाँ से फिर भी थोड़ी टाइट है, लेकिन इसका फैब्रिक ना सुपर स्ट्रेचेबल है गाइस, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल जीन्स है ना। बाकी आप देख सकते हो नी से जितनी ये रिब्ड है, ठीक है, दोनों तरफ से नीचे से आप पूरा देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका बूटकट वाला लुक है। बाकी अब मुझे इसको साइज़ एक्सचेंज करना पड़ेगा, 26 मुझे इसमें परफेक्ट आएगा क्योंकि सुपर स्ट्रेचेबल और ये बहुत ज़्यादा ढीली है, कि ऐसे ऊपर चढ़ा रहा कि यहाँ से तो टाइट है लेकिन ऊपर से पूरी कमर से ढीली है। जीन्स बहुत अच्छी है उसके लिए मैं इसको थम्स अप देती हूँ, लेकिन मैं इसका साइज़ 26 मंगाऊंगी, तो इस वाली जीन्स में आपको थोड़ा साइज़ छोटा ऑर्डर करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी जीन्स है अर्बन एज वाइट डिस्ट्रेस जीन्स, ये 1800 रुपीज़ की है। आप मॉडल को देख लो, जिस तरह के से शर्ट कैरी की हुई है, बैग लिया हुआ है और सिंपल लोफर्स पहने हुए हैं, इस तरह का ही इस जीन्स को लेके मेरे मन में माइंडसेट था कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी ऑफिस गोइंग के लिए, और आप इसके ऊपर ना वो चिकनकारी कुर्तियाँ होती हैं ना वो भी पहन लोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ऐसी वाली जीन्स से। इसका कलर भी बिल्कुल सिंपल ब्लू डेनिम है, आप देख सकते हो, और इसका आप मैंने इसको पकड़ा हुआ है, और आप इसका लुक देखो कि ये इधर से और इधर से जो डेनिम की शेप आ रही है ना पकड़ने में, वो देखो कितनी ज़्यादा सही आ रही है। मैं आपको बैक से दिखा रहा हूँ, तब बैक से भी समझ पाओगे। अब आप देखो वेस्ट के बाद ये कितनी अच्छी लूज़ होने वाली है, और दोनों तरफ से ना ये नी से सिर्फ कटी हुई हैं, ठीक है, और ये जो इसमें आप देख सकते हो ये जो ये वाली लाइनिंग्स डिटेल होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेंथ भी अच्छी खासी लंबी मुझे लग रही है, बाकी बस ये थोड़ी टाइट ना हो, नहीं टाइट मुझे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छी और बहुत ही बेसिक वाली जीन्स है,
और मैं इसको वियर करके दिखाती हूँ। ये जीन्स बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया था स्टाइल हुए हुए, ये बिल्कुल वैसी है। परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट लुक, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब एक बेसिक जीन्स जो बहुत ज़्यादा कटी शटी भी ना हो, लेकिन कटी शटी भी हो और बहुत अच्छी लग भी रही हो, ये वैसी जीन्स है। आप देख सकते हो दोनों तरफ इसके बस नी से कट होंगे, बाकी आप लेंथ देखो कितनी प्रॉपर इसकी लेंथ है। बैक से भी आप पूरा फिट देख सकते हो। मुझे ये जीन्स पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं ऐसी जीन्स है ना जो स्ट्रेट चिकनकारी कुर्ते होते हैं, कॉटन के कुर्ते होते हैं, उनके नीचे पहनी हुई हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत कंफर्टेबल जीन्स है गाइज, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई होप आप मेरी वो फीलिंग समझ पा रहे हो जब आपको एक परफेक्ट पेयर ऑफ जीन्स मिलती है। तो इसके लिए तो डेफिनेटली थम्स अप ले लो जाके, बहुत खुश हो जाओगे आप ऐसी एक बेसिक और स्टाइलिश जीन्स लेके। बेसिक भी बोल रही हूँ, स्टाइलिश भी बोल रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारी जीन्स है वो है लो वेस्ट बेल्टेड जीन्स, आप देख सकते हो पिक्चर में। ये मुझे 1900 रुपीज़ की पड़ी है, और साइड से वेस्ट वाला जो डिज़ाइन है ना, इसी के चक्कर में मैंने इसको मंगवाया। और आप देख सकते हो इसने भी बिल्कुल ब्लैक बेसिक टॉप के ऊपर पहना है। लेट्स सी कैसी आई है। ये तो बहुत सही लग रही है, देखो गाइस इसका स्टाइल। ये वेस्ट पे पूरा ऐसा बकल एंड बेल्ट वाला सीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा कटआउट है, देखिए आपने ये वाला कटआउट पूरा। उसके बाद आप देख सकते हो कितनी वाइड जीन्स आपको मिलेगी। बैक में पॉकेट है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ढीली जीन्स मुझे लग रही है। मैं इसको बस आपको वियर करके ही इसकी खूबियाँ बताने वाली हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जीन्स इतनी ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि ये लो वेस्ट जीन्स है और मैं तो हाई वेस्ट जीन्स ही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। लो वेस्ट होने के बाद जो इसके कटआउट और ये जो पूरा बेल्ट वाला लुक है ना, ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। आप पूरा देख सकते हो कि पूरा कैसी ये बेल्ट आएगी। आप जितना लूज़ हो टाइट हो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ टाइट करके पीछे डाल सकते हो। ये बिल्कुल एज अ बेल्ट ही काम कर रहा है, लेकिन इसका जो ये लुक आ रहा है ये स्टॉप के साथ कितना ज़्यादा परफेक्ट जा रहा है। मतलब आप पूरी जीन्स का लुक देखो, कलर देखो। इसमें वन साइड पॉकेट है, यहाँ कोई पॉकेट नहीं है, ठीक है। ये बस ऐसा डिज़ाइन है, पूरा देख सकते हो लेंथ कितनी प्रॉपर है, कलर कितना ज़्यादा अच्छा है, वाइड लेग जीन्स है। बैक से भी आप देखो कितनी ज़्यादा सही लग रही है जीन्स। ऐसे फ्लैप वाला आपको पॉकेट मिल रहा है, दोनों तरफ पॉकेट है, ठीक है, फ्लैप वाला सिस्टम है। और पीछे से क्या लुक आएगा, ये साइड से जो ये कट आ रहे हैं ये कितने कट दिख रहा है, क्या दिख रहा है पूरा आप देख सकते हो। मतलब ये कुछ हटके और बहुत अच्छी क्लासी सी जीन्स मुझे लग रही है, क्योंकि बहुत अलग है इसका स्टाइल और बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है। मुझे काफ़ी पसंद आई यार, मैंने नहीं सोचा था मुझे इसका इतना अच्छा फिट आएगा। और प्लस पॉइंट ये, अगर आपको ये वेस्ट से लूज़ भी है ना, जो ये बेल्ट वाले दोनों चीज़ है ना, वो उसको पूरा प्रॉपर टाइट बना देंगे। मुझे ये जीन्स गाइस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जीन्स है, आपको पहन के मज़ा आ जाएगा। तो मेरी तरफ से इसके लिए भी डबल वाला थम्स अप। लास्ट मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था, अपनी 6 जीन्स है गाइस जो मैंने न्यू ऑर्डर की थी अपनी, इसका है मॉडिश स्ट्रेट जीन्स। आप पिक्चर में देख सकते हो मुझे 1900 रुपीस की पड़ी है, और स्ट्रेट में आपको ये फिट और ये कट दिख रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अगेन ब्लू कलर की है, क्योंकि काफ़ी सारे ना ब्लैक और ये वो कलर मेरे पास पर्सनली मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ, और मैं आजकल ना ये कलर ज़्यादा पहन रही हूँ, और ये कलर सबको बहुत पसंद भी आते हैं क्योंकि ये बेसिक डेनिम के कलर हैं। आप देख सकते हो ये स्ट्रेट है, काफ़ी लॉन्ग है, जो चीज़ कटिंग वटिंग वाली है, कटी शटी है वो आप देख सकते हो। बैक से आप देख सकते हो कैसी ये है। अब मैं इसको भी क्विकली आपको वियर करके पूरा लुक एंड फिट एंड स्टाइल दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाइस मैं ना पर्सनली कंफ्यूज रहती हूँ, आप मुझे बताना कमेंट में कि जो ये वाली जीन्स का फिट है ये मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब स्ट्रेट फिट या बॉयफ्रेंड फिट आप बोल सकते हो इनको। मैं ना थोड़ी कन्फ्यूज़ रहती हूँ मॉम्स फिट वाली जीन्स को लेकर कि मेरी बॉडी शेप पर लग कैसी रही है। बाकी आप जीन्स देख सकते हो अच्छी खासी लंबी है, जैसा पिक्चर में दिखाई है वैसी आई, लेकिन ये भी ना मुझे थोड़ी ज़्यादा वाली लूज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी मुझे साइज नंबर 26 आएगा, ठीक है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। और इतनी लूज़ होने के कारण ना यहाँ से भी ना देखो ये ढीली वाली शेप आ रही है, तो मुझे थोड़ा ना और लुक वाइज समझ नहीं आ रहा है कि है कैसी। बैक से भी आप देख सकते हो कि कैसी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ढीली भी नहीं चाहिए होती कि भाई ये कुछ ज़्यादा ढीली है, तो थोड़ा लुक में उस वजह से भी थोड़ा मुझे लग रहा है अंतर आ रहा है। बाकी वैसे बिल्कुल सेम आई है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, लेंथ वेंथ सब अच्छी है, लेकिन मैं इसका एक छोटा साइज़ मंगाऊंगी तब ये थोड़ी ज़्यादा बेटर लगेगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो चलो
इसके लिए वैसे तो थम्स अप, जिन जिन जीन्स में मैं जो साइज बता रही हूँ ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर लेना, वैसे तो आराम से रिटर्न एक्सचेंज आप कर ही सकते हो। तो इस वाली जीन्स में भी अगर आपको पसंद आ रही है तो एक नंबर छोटा मंगा लेना, क्योंकि ये थोड़ी ढीली जीन्स है ये वाली। तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। और ये जीन्स जिसकी मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, जो मैंने जीन्स भी पहनी हुई है, ये भी मेरी फ्रीक्वेंसी की है। पिक्चर में देख सकते हो ये जीन्स है रीबर्थ स्ट्रेट जीन्स, ये 1900 रुपीस की है। जैसा बिल्कुल स्टाइल और कलर है ना, एग्जैक्टली सेम ये वैसे ही जीन्स है। इसमें ना ये भी मैंने 28 साइज मंगाया, लेकिन ये मुझे इतनी ज़्यादा टाइट है ना, पूरी वीडियो में आप देख रहे हो कि मेरा पेट ऐसे बाहर को निकला हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है। अब मुझे समझ नहीं आई इतनी ज़्यादा टाइट क्यों निकली, क्योंकि ये आके रख दी गई थी, मैंने इसको वेयर नहीं किया था, मैंने आज ही इसका टैग काट के पहना, और मैं पहनने के बाद मैं ऐसे कि मुझे इतनी टाइट क्यों आ रही है। मैं लिटरली यहाँ खड़े हो गया, आपको दिखाती हूँ कि ये जीन्स है, ठीक है। आप जीन्स पूरी देखो, स्टाइल बिल्कुल वही है। अब जब मैं खड़ी हूँ ना, तो ये मुझे देखो ऐसे लूज है, ठीक है। अब ऐसे तो इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है, हाँ जब मैं खड़ी हूँ तो ये मुझे इतनी लूज हो रही है। ऑब्वियसली अभी मेरा इतना थुलथुल पेट है कि मैं बैठती हूँ तो मेरा पेट निकल जाता है, तब ये ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइट हो रही। नहीं तो आप पूरा जीन्स का लुक देख सकते हो, जैसी स्टाइल दिखाया है ना, मैं बैक से भी दिखा दूं, ये बिल्कुल उसी स्टाइल की जीन्स है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन बस मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा इसका, कि देखो जब मैं बैठी हूँ ना, ओ गॉड, तो ये मुझे इतनी टाइट हो जा रही, कि इतनी टाइट मेरी बाकी फ्रीक्वेंसी की जीन्स नहीं होती, वो काफ़ी ज़्यादा लूज रहती हैं बैठने पर भी। तो बस इस जीन्स का थोड़ा मुझे ये हो रहा है कि इसको मुझे ऐसी जगह पहनना पड़ेगा जहाँ मुझे खाना पीना ना हो, क्योंकि इतने भिजे पेट में तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट, ये थी मेरी फेवरेट प्यारी प्यारी फ्रीक्वेंसी की जीन्स। आई होप आपको मेरा आज का हॉल कुछ अलग और डिफरेंट लगा होगा, किसी न्यू वेबसाइट के बारे में आपको जानने को पता लगा होगा। वैसे भी मैंने अभी चेक करा कि इन्होंने अपना एक ऐप भी बना दिया है, तो अगर आप वेबसाइट यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरे पर्सनल और जेन्युइन रिव्यू हैं। अगर इससे पहले मेरा वार्डरोब टूर आ जाता तो आपको पता चल जाता कि हाउ मच आई लव फ्रीक्वेंसी की जीन्स और कितनी ज़्यादा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी कुछ पुरानी एक एक साल वाली जीन्सें भी सारी आपको दिखाई हैं, जो मैं पहन रही हूँ डेली वेयर में, और जो मैंने अभी न्यू जितनी जीन्सें मंगाई हैं 2-4 महीने पहले और अभी जितना मैंने ऑर्डर लगाया, तो सारा सम अप में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो जो भी जीन्स आपको पसंद आती है तो उसके सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, मैं कमेंट में भी आपको लिंक दे दूंगी। और हाँ, काफ़ी अच्छी फैब्रिक क्वालिटी सच में रहती है इन जीन्स की, लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसीलिए मैं इतना प्रेफर कर रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पहनूंगी, तो मैं ले लेती हूँ 1800-2000 रुपये की जीन्सें, और एग्जैक्टली जो दिखाया है वही मिल रहा है, तो वही बात है बस। और काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जीन्स है, अगर आप एक दो बेसिक ब्लैक और ब्लू जीन्स लोगे वो भी आपकी बहुत लंबी चलेगी, लेकिन अगर आप लोगे ना तो आप यही बोलोगे कि हाँ भाई पैसा वसूल है बिल्कुल। तो बस दैट्स इट, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और बताना आप क्या नया देखना चाहते हो। वैसे तो मैंने बहुत कुछ नया डिफरेंट डिफरेंट प्लान करा है मीशो से थोड़ा हटके, तो आई होप आपको वो भी सब कुछ पसंद आएगा। तो बस ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो, ढेर सारा प्यार देते रहिए, मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, आई लव यू।